बिहार में अनेक प्रकार की आपदाएं आती है, बाढ़ से सब परिचित हैं। हमारे बिहार में 28 जिले, 38 जिलों में से 28 जिले बाढ़ प्रवण है और उसमें से 15-16 जिले तो बहुत बुरी तरह प्रभावित होते हैं। तो बाढ़ आती है, सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ता है। अब पूरे देश में मानसून की स्थिति अच्छी है, जून महीने के बारे में खबर आई जो मानसून की, अगर पूरे देश का एवरेज लेंगे तो बहुत अच्छे मानसून की खबर आई, 15-16% ज्यादा ही बारिश हुई। लेकिन बिहार की क्या हालत, इस बार बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन के कम होने के कारण मानसून कमजोर है और अब तक जमकर बारिश नहीं हो पाई। तो बिहार में सुखाड़ की संभावना बनी रहती है, सूखे की, ड्राउट की। और बिहार तो एक अद्भुत राज्य है, एक साथ यहाँ फ्लड भी होता है और ड्राउट भी होता है। बहुत लोग यकीन ही नहीं करते कि फ्लड की खबर देख रहे हैं, बाढ़ की खबरें देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और पता चलता है कि सुखाड़। तो लोगों को समझाना पड़ता है, यहाँ जो बाढ़ आती है उसके कारण भिन्न है और सूखा का कारण भिन्न है। एक साथ सूखे और बाढ़ का सामना इस राज्य के अलग अलग हिस्सों को करना पड़ता है। वर्षा कम हुई, समय पर वर्षा नहीं हुई, हुई और फिर बहुत लंबा एक ड्राई स्पेल, यानी बिना वर्षा का समय बीत गया तो सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और दूसरी तरफ नेपाल की नदियों में उफान आया तो उत्तर बिहार के कई जिलों में बाढ़ आ जाती है। तो ये अद्भुत स्थान है बिहार, जहां एक साथ हमें बाढ़ और सूखे का भी सामना करना पड़ता है, कभी बाढ़ कभी सूखा, कभी बाढ़ और सूखा दोनों।